इंडियन नेवी डबल ए SSR रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों अगस्त 2022 के रिक्रूटमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए। इस बार का जो रिक्रूटमेंट होगा वो कितने पदों पर होगा, विद प्रूफ आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। साथ ही बात करने वाले हैं कि क्या इस बार भी इंडियन नेवी डबल ए और SSR का जो रिक्रूटमेंट होगा क्या वो परसेंटेज बेस पे होगा, या फिर दोस्तों इस बार आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, क्या सभी कैंडिडेटों को मौका मिल पाया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसको लेकर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगातार काम कर रही है और तीनों सेनाओं की भर्तियों को एक बार रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट रैलियां भी शुरू होने वाली है, साथ ही दोस्तों इंडियन नेवी की भर्तियां भी शुरू होगी, तो इंडियन एयरफोर्स की भी भर्तियां शुरू होगी। तो यहां पर बात करेंगे कि जो आपका इंटेक जो अगस्त 2022 का जो आपका बैच है इंडियन नेवी डबल ए और SSR का, उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब तक आने के चांसेस, साथ ही इस बार की जो वैकेंसी होगी वो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले इंडियन नेवी में डबल ए और SSR से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों बात करते हैं, देश भर में लगातार सभी रिक्रूटमेंट अभी बंद पड़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में होने वाले, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव चल रहा है। और इसी बीच दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं रक्षा मंत्रालय की। यहां पर मीटिंग में बताया गया कि कौन सी फोर्स में कितनी कितनी वैकेंसीज खाली है, मतलब इस बार का जो अगस्त 2022 का जो बैच है जिसके मार्च तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के चांसेज है, उसमें वैकेंसीज आपकी कितनी होगी। तो बिल्कुल मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं सबसे पहले। तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजिएगा, तीनों सेनाओं की बात की गई थी इसमें कि तीनों सेनाओं में लगभग 16 लाख पद खाली है, और इन्हीं लास्ट के जो 8 मंथ है उनमें 14% अतिरिक्त पदों की संख्या भी यहां पर बढ़ी है। लेकिन मैनुअली आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन नेवी के बारे में। तो बात कर लेते हैं इंडियन नेवी में कहां पर कितने पद खाली है। तो बिल्कुल आप यहां पर देख लीजिएगा कहां पर कितने पद खाली है और इस बार का रिक्रूटमेंट लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने पदों पर होने वाला है। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा यहां पर है, नेवी की बात करें तो इस बार जो ऑफिसर्स की वैकेंसी है वो 1265 पद इस बार खाली पड़े, जबकि अगर बात करें डबल ए SSR और MR की तो तीनों को मिलाकर 11166 पद खाली है। तो इस बार का जो रिक्रूटमेंट काफी बड़ा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से रिक्रूटमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहे और कोविड की वजह से, और देश में दोस्तों एक नया रूल यहां पर लागू होने के चांसेस है, क्योंकि इंडियन नेवी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों की लगातार यहां पर मीटिंग चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। रिक्रूटमेंट को रोक दिया गया, लेकिन अब जल्दी आपका रिक्रूटमेंट शुरू होगा। यहां पर बात करते हैं दोस्तों इस बार के रिक्रूटमेंट में, और दोस्तों अगर बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से इस बार का जो रिक्रूटमेंट होगा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, मतलब ऑनलाइन अप्लाई के साथ में आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो भी ऑनलाइन होगा। साथ ही दोस्तों जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जो इंडियन नेवी के डबल ए और SSR में रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो उसके हिसाब से सभी कैंडिडेटों को मौका दिया, क्योंकि लगातार लोकसभा में मुद्दा उठता दिखाई दे रहा है कि इंडियन नेवी में शॉर्ट लिस्ट के नाम पर काफी ज्यादा कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जिनमें 80, 90 और 95% वाले कैंडिडेटों को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, जबकि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 60% बताई गई है, और 60% वाले जो कैंडिडेट लगातार तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें शॉर्ट लिस्ट के नाम पर बाहर कर दिया जाता है। इसको लेकर अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगातार काम कर रही है, और दोस्तों हो सकता है इस बार सभी कैंडिडेटों को 60% से ज्यादा वाले कैंडिडेटों को इंडियन नेवी में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों इसका जो रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसका रिक्रूटमेंट ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब तक आने के चांसेस है, तो मार्च पास्ट तक दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस बार के इंडियन नेवी में काफी अच्छी और बड़ी वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 8 महीने में अतिरिक्त 14% वैकेंसी अतिरिक्त यहां पर खाली हो चुकी है। ऐसे में आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो काफी अच्छी वैकेंसी भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आता है या फिर इंडियन नेवी की कोई भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रैली आती है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।